अभी देखिए इस बैटरी ने 0.14 से फौरन 1.4 पे जंप कर दिया, तो ये एक बैटरी के ख़राब होने की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। 24 वोल्ट की ड्रिल बैटरी, रिचार्जेबल ड्रिल जो होती है, तो उसकी ये बैटरी मैंने ओपन की, ये चार्ज नहीं हो रही थी। इसको स्टडी करते हैं कि क्यों ये चार्ज नहीं हो रही। ये 20 सेल है और 1.2 वोल्ट का हर एक सेल है, सारे सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये सारे सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे आके 20 सेल बन रहे हैं। 19 हैं, 20 को मैंने उतार दिया, उस पर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, सल्फेट बने हुए थे, तो इसलिए मैंने इसको आउट कर दिया। हर एक सेल 1.2 वोल्ट का है, जब 20 होंगे तो 20 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 वोल्ट बनते हैं। चलिए इसका डाटा देखते हैं कि ये क्यों चार्ज नहीं हो रहा। अगर ये चार्ज नहीं हो रही तो फिर इसमें क्या क्या रिकवरी ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसके बैटरी वोल्टेज, टोटल वोल्टेज देख लेते हैं कि टोटल वोल्टेज कितने हैं। तो इसके बैटरी वोल्टेज अभी 14.55 है, तो ये डिस्चार्ज कंडीशन में, अगर इसको चार्जर पे भी लगाएंगे तो ये चार्ज नहीं हो पाती, 14.55। अभी हम हर बैटरी के अलहदा अलहदा वोल्टेज रीड करेंगे। फर्स्ट बैटरी 1.207, 1.207। सेकंड बैटरी 1.238, थर्ड बैटरी 1.232, नेक्स्ट बैटरी 1.236, 1.011, 1.211, 1.221, 0.015, 0.015, 0.014, 0.023, 0.023, 1.233, 1.233, 0.136, 1.19, 1.20, 0.008, 0.008, 1.208, 0.310, 1.211, 0.031, 1, 2, 3, 4, 5, these five batteries are totally dead, zero. We will check the charging current. 1.2 volt battery, for that purpose I will use 1.5 volt power supply. I will use 1.5 volt power supply and we will check the charging current. Battery number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Battery number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अभी हम इस मल्टीमीटर को करंट टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। एम्पियर मीटर के लिए इसको कॉमन को कॉमन पे रखेंगे और इस रेड लीड को 10 एम्पियर सॉकेट में लगाएंगे और यहाँ पर हम डीसी रेंज पे कर देंगे। नाउ दीज आर पावर सप्लाई टर्मिनल्स। आई विल कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल एट द नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल एट द मल्टीमीटर। नेगेटिव टर्मिनल हियर एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एट द मल्टीमीटर, पॉजिटिव लीड, रेड लीड। नाउ आई हैव दिस ब्लैक लीड, इट इज ड्रॉइंग 0.14 एम्पियर, 140 मिली एम्पियर द फर्स्ट बैटरी, 0.14 एम्पियर। ब्लैक लीड ऑफ द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ वी विल चेक दिस वन, 76 मिली एम्पियर, 0.071। Battery number 4, 128. Battery number 5, 0.131. Battery number 6, 0.138. 0.136. 133 for each battery. Battery number 9, it's around 900 milliampere, 0.900 ampere, so it is taking too much current. Then battery number 10, it is also, we can see battery number 10 started from high current and immediately it reached to minimum. अभी ये बैटरी देखिए, बैटरी नंबर 10 हाई करंट से शुरू हुई और फौरन ही इसकी करंट स्टॉप हो गई। अगर 9 नंबर को देखेंगे तो भी इसकी करंट फौरन से तेज हुई और फौरन से ही इसकी करंट कम हो गई। तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये बढ़ जाती है। Battery number 10, 1 ampere to minimum. Battery number 11, 0.11 ampere, 0.11 ampere. So this charging current is good, this charging current is not good for these batteries. Battery number 12, 131. Battery number 12, 0.131. Battery number 13, 0.133, 0.14. Battery number 14, 0.14.
15, we can see the current is decreasing very fast. First it started with high current and now 0.6 ampere to minimum, 0.27, battery number 16, 0.27, 0.2 ampere, this one 0.25. This one 's batteries charging current is increasing very fast and then decreasing very fast. Now we will check these batteries again. Battery number 10, cell number 10, agar hum iske bhi voltage dekhenge अभी देखिए इसने कितनी जल्दी वोल्टेज मेंटेन कर ली है, तो ये बैटरी ठीक नहीं है। अगर हम पहली बैटरी के वोल्टेज और करंट मॉनिटर करें, वी कैन सी इट्स वोल्टेज आर इंक्रीजिंग लीनियरली वेरी स्लोली and current is still 0.13 ampere. That means this cell is healthy. It will charge slowly, its voltage will increase slowly, so it is a good sign. Any battery, it draws current very speedy and its voltage increase with speed, that battery will discharge with speed. (1.436) and voltage will increase very slowly. It is healthy cell. Battery number 4. अब ये सेल नंबर 4 को चेक कर लेंगे हम। (0.12 ampere) एंड वोल्टेज आर इंक्रीजिंग स्लोली। बैटरी नंबर 5, यहाँ पे 100 मिली एम्पीयर पे वोल्टेज स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये अच्छा सेल है। अभी देखिए 130 मिली एम्पीयर पे वोल्टेज स्लोली बढ़ रहे हैं, तो ये सेल चार्ज हो रहा है। (1.4 volt) और 0.13 ampere स्लो करंट। बैटरी नंबर 8, 115 मिली एम्पीयर एंड वोल्टेज इंक्रीजिंग स्लोली। बैटरी नंबर 9, अभी बैटरी नंबर 9 को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके जो पहले इनिशियल वोल्टेज थे वो जीरो थे, यानी 14 मिली वोल्ट थे, और जब हमने करंट अप्लाई की थी तो 1 एम्पीयर से फौरन ये नीचे आ रही थी,
बहुत स्पीड से। अभी हम इसको फिर देखते हैं। यू कैन सी द करंट इज डिक्रीजिंग फास्टली एंड वोल्टेज आर इंक्रीजिंग फास्टली, बोथ रीडिंग्स आर चेंजिंग स्पीडली, सो इट इज नॉट गुड साइन, दिस 9 नंबर बैटरी इज बैड। अभी सेल नंबर 10 को चेक कर लेते हैं हम। 0.35 वोल्ट। 10 नंबर सेल पे इस वक्त 0.35 वोल्ट है और इसकी करंट देखते हैं। वी कैन सी इट जंप्ड विद स्पीड फ्रॉम 0.35 एंड इट इंक्रीज्ड विद वेरी स्पीड एंड नाउ द वोल्टेज आर डिक्रीजिंग फास्टली, सो दिस सेल इज ऑल्सो नॉट गुड, बैटरी नंबर 10 नॉट गुड। लेट्स चेक इट अगेन, बैटरी नंबर 10, वोल्टेज 0.35, नाउ आई विल कनेक्ट पावर सप्लाई, यस दिस इज बैड रिस्पॉन्स ऑफ एनी बैटरी। When we will connect charger, this battery will stop the charging current for all batteries because its negative and positive resistance is increased. Now we'll check battery number 11. 1.2. Its current is within range. Now we will check battery number 12. अभी हम 12 नंबर बैटरी को चेक करते हैं तो इसके इनिशियल वोल्टेज 0.136 थे, 136 मिली वोल्ट। दिस इज बैटरी नंबर 12, 0.14 वोल्ट। नाउ आई विल कनेक्ट पावर सप्लाई, यस अभी देखिए इस बैटरी ने 0.14 से फौरन 1.4 पे जंप कर दिया, तो ये एक बैटरी के ख़राब होने की निशानी है। यानी जैसे ही आप उसको चार्जर कनेक्ट करते हैं तो वो फौरन से फुल हो जाती है, क्यों? कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुकी होती है। अभी देखें इसके वोल्टेज कितनी जल्दी ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये किसी लोड को रन नहीं कर पाएगी। तो 12 नंबर बैटरी भी, 12 नंबर सेल ख़राब है। नाउ वी विल चेक बैटरी नंबर 13, इनिशियल वोल्टेज 1.9 वोल्ट विथ चार्जिंग 1.39 एंड नाउ 1.4। अभी बैटरी नंबर 13 को देखें तो इसके इनिशियल वोल्टेज 1.39 थे, तो जैसे ही हमने चार्जर कनेक्ट किया तो करंट भी स्लोली बढ़ी है और वोल्टेज भी तकरीबन बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो ये एक काबिले एतबार सेल है। सेल नंबर 14, अभी बैटरी सेल नंबर 14 को चेक करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। वन पॉइंट टू वोल्ट, चार्जिंग करंट वी कैन सी इट इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली एंड द करंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली। अभी हम चेक करते हैं बैटरी नंबर 15 को, 15 नंबर को चेक करते हैं। बैटरी नंबर 15, इनिशियल वोल्टेज 0.14, अभी देखें इसने फौरन से 1.3 पे जंप किया, 1.3 वोल्ट पे चली गई बैटरी और करंट देखें उसी वक्त कम हो गई, तो ये बैटरी कभी भी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगी। सो सेल नंबर 15 इज बैड। सेल नंबर 16, सेल नंबर 17,
17 वाज 0.31 वोल्ट। अभी इसके इब्तदाई वोल्टेज देखें 0.28.29 है और करंट इसको देते हैं फौरन से 1.3 पे चली गई एंड करंट इज आल्सो चेंजिंग फास्टली। बैटरी नंबर 17 इज डेड। बैटरी नंबर 18 के 1.2 वोल्ट है सो इट इज नॉर्मल चेंज। लास्ट बैटरी, बैटरी नंबर 19, इनिशियल वोल्टेज 0.081। इसके अभी आखिरी बैटरी के इनिशियल वोल्टेज है 0.81 और जैसे ही मैं चार्जर कनेक्ट करूंगा तो देखें ये 80 मिली वोल्ट से फौरन ये 140 पे चली गई, 1.39 पे चली गई। तो ये सेल ख़राब है, दिस सेल इज बैड। जब हम किसी भी बैटरी बैंक पे काम करते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो अगर वहाँ पे एक बैटरी सीरीज में लगी हुई उसकी इंटरनल पॉजिटिव और नेगेटिव रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, जब उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो वो पूरे बैटरी बैंक को बिठा देगी, ना तो वो चार्ज होगी और ना ही वो लोड को रन करेगी। तो ऐसी सूरत में अगर तो हमारा पूरा बैटरी बैंक नया है तो हम वो एक बैटरी जिसके वोल्टेज सडनली इंक्रीज करते हैं वो बैटरी हम रिप्लेस कर देंगे। अदरवाइज सबसे बेहतर होता है कि पूरे का पूरा बैटरी बैंक बदल दिया जाए सेम टाइम सेम स्पेसिफिकेशन, तो वो लॉन्ग लाइफ होता है। लेकिन अगर बाकी बैटरीज न्यू हैं उनमें एक बैटरी डेड हो जाती है, बिलफर्ज हमने 32 बैटरियाँ लगाई हैं सीरीज में या 20 बैटरियाँ लगाई हैं, तो उस वक्त अगर एक बैटरी उसमें डेड होती है तो वो ये रिस्पॉन्स करती है कि उसके वोल्टेज इमीडिएटली बढ़ते हैं और जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं तो वो फौरन से ड्रॉप हो जाती है। इसी बैटरी बैंक को अगर हम कोई लोड कनेक्ट करेंगे तो ये उसी वक्त यही वाली बैटरियां ज़ीरो हो जाएंगी। अगर वीडियो आपके लिए मालूम आती है तो इसको लाइक कर लीजिए, कोई सवाल हो तो कॉमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।